सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। यह है हमारा हिंदी का पीरियड और हम हमारी प्रतिभा हिंदी पाठमाला की पुस्तक का पाठ 6 फुदकू मेंढक, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ एक बच्चा है, इस चित्र में आपको एक बालक दिखाई दे रहा है, ये है नीलू और ये है मेंढक। इसका नाम है फुदकू, जो कि इस पानी के गड्ढे में रहता है और ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें शिक्षा देगी। जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नीलू, इस बच्चे का नाम क्या है बच्चों? नीलू। नीलू घर से निकला तो रास्ते में उसे मिला फुदकू मेंढक। ये फुदकू मेंढक है। एक गड्ढे में पड़ा गर्दन उचकाए टर टर कर रहा था। ये तो मेंढक कैसे बोलता है? टर टर। हमने जानवरों की बोलियां पढ़ी थी ना। नन्हे नीलू ने गड्ढे के अंदर झुककर फुदकू मेंढक को बाहर निकाल कर रख दिया। अब नन्हे नीलू ने क्या किया? इस गड्ढे से निकाल कर इस फुदकू मेंढक को यहाँ पे रख दिया। गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक फुदकने लगा। उसे देखकर नीलू को हंसी आ गई। तो जैसे ही गड्ढे से बाहर आया, मेंढक कैसे फुदक फुदक कर चलता है ना, तो मेंढक फुदकने लगा, तो इसको देखकर नीलू को हंसी आ गई। हंसो मत नीलू, अभी तो मुझे दौड़ में विश्व चैंपियन बनना है। क्या कहा मेंढक ने नीलू को कि तुम हंसो मत नीलू, अभी तो मुझे दौड़ में विश्व चैंपियन बनना है। फुदकू मेंढक ने टर टर करते हुए कहा। फुदकू मेंढक ने टर टर करते हुए ये कहा कि मुझे तो विश्व चैंपियन बनना है, तुम हंसो मत। एक दिन फुदकू ने नीलू से कहा, अरे नीलू, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। तो फुदकू ने क्या कहा नीलू से कि नीलू, तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। जब भी हम किसी का वाक्य एज इट इज कहते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। इसके अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे टर टर उसकी बोली है तो केवल सिंगल, और ये डबल इन्वर्टेड कोमास है। इसमें किसी का भी वाक्य जिसने बोला हो एज इट इज जब हम लिखते हैं या उसकी बात जब कहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं। दौड़ते समय फुदकू ने ऐसी छलांग लगाई कि नीलू को पसीना आ गया। उसने फुदकू को हरा तो दिया मगर देर तक हांफता रहा। और फिर एक दिन फुदकू ने नीलू को पछाड़ दिया। नीलू ने फुदकू मेंढक की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। फुदकू मेंढक ने खुशी से टर टर करते हुए कहा, मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें हरा दूंगा ठीक उसी दिन पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। अच्छा नीलू, विदा लो, अब मैं चला। कोई 6 महीने बाद फुदकू लौटा। तो क्या सोचा फुदकू ने, क्या सोचा था कि जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, मतलब नीलू को जब हरा देगा तो पंपा सरोवर की तरफ वो जाएगा, तो वो 6 महीने तक पंपा सरोवर की तरफ चला गया। कोई 6 महीने बाद फुदकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था। उस पर लिखा था विश्व विजयी मेंढक फुदकू। क्या लिखा था उसके सिर पर? कौन सा मुकुट था? सोने का मुकुट था। उसके ऊपर सोने का मुकुट था और वो कहाँ गया था? पंपा सरोवर। और क्या लिखा था उसके मुकुट पर? विश्व विजयी मेंढक फुदकू। नीलू दौड़कर फुदकू मेंढक के पास गया और बोला, अरे वाह, तुम तो उस्ताद निकले। कोरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगा नीलू, फुदकू ने बिगड़ कर कहा, क्या तुम कम तेज दौड़ते हो? कोशिश करो तो क्या तुम अच्छे धावक नहीं बन सकते? धावक मीन्स दौड़ने वाला। तुम बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का मेडल जीत सकते हो। जैसे अभी चल रहा है ना टोक्यो में ओलंपिक, तो ये ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए क्या जीत सकते हो? सोने का मेडल। जैसे अभी गोल्ड मेडल मिला है ना उसको, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। नीलू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में जरूर हिस्सा लेगा और सोने का मेडल जीतेगा। ये ही नहीं, सारे संसार को फुदकू मेंढक की कहानी भी सुनाएगा। किसने लिखी है बच्चों ये कहानी? शिक्षाप्रद कहानी है, प्रकाश मनु के द्वारा लिखी गई है। क्या संदेश मिल रहा है? लगन और मेहनत से किया गया काम सफल होता है। तो आपको क्या करना है, इसी कहानी को पूरा पढ़ना है, फुदकू मेंढक। कौन सी कहानी को पढ़ना है? फुदकू मेंढक, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है। कोई स्वास्थ्य पर आधारित है, कोई हास्य कथा है, ये कौन सी है? शिक्षाप्रद, जिससे हमें सीख तो हमें सभी से मिल रही है, चाहे हास्य कथा हो, चाहे
हमारी स्वास्थ्य पर आधारित हो, पर ये शिक्षा देने वाली है कि ये शिक्षा मिल रही है हमें कि अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो हम काम में सफल हो सकते हैं। तो ये हमारा बच्चा है नीलू, ये हमारा मेंढक है फुदकू, ये गड्ढा है जिसमें पड़ा हुआ टर टर कर रहा था, उसको इस बच्चे नीलू ने बाहर निकाला और कौन बन गया फुदकू, मेहनत और लगन से विश्व विजयी मेंढक फुदकू सोने का मुकुट पहनकर, और कहाँ गया था वो, पंपा सरोवर। तो आपको ये पाठ पढ़ना है, दो बार हम ये पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। और ये भी सोचना है आपको कि दौड़ में कौन जीतेगा, फुदकू मेंढक या फिर नीलू। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आप पढ़िए।